फेस्टिवल आ रहे हैं, अगर फेस्टिवल में बीकानेर के लड्डू मिल जाए खाने के लिए तो वाह क्या बात हो जाएगी। तो आज हम आपके लिए बीकानेर वाले लड्डू की रेसिपी लेके आए हैं, बेसन के लड्डू, जिसे हमने इतनी अच्छी ट्रिक से बनाया है आप देखते ही हैरान हो जाओगे। तो हमने इसे कैसे बनाया है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। इस लड्डू को हम बनाएंगे ना पतले वाले बेसन से बनाएंगे, मोटे वाले बेसन से तो सभी बना लेते हैं, मगर पतले वाले बेसन से बिल्कुल दानेदार लड्डू बनता है ना। तो आज हम आपको उसको ट्रिक्स बताने वाले हैं इसमें। अगर आप भी ऐसे दानेदार लड्डू बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है आप दानेदार लड्डू किस तरह बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने पतला वाला बेसन लिया है, बिल्कुल फाइन बेसन है पतला वाला, इसे हमने दानेदार बनाना है। तो सबसे पहले हम ट्रिक लगानी है इसे दानेदार करने की। तो ट्रिक नंबर वन है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस बेसन को हमने छान लेना है अच्छी तरह से, जिसमें गुठलियाँ ना सब खत्म हो जानी चाहिए। तो इसे छान लेंगे, तो हमने क्या किया है, हमने 3 कप बेसन लिया है, 3 कप बेसन लेंगे, पतला वाला बेसन है। आप चाहे तो मोटे वाले से बना सकते हैं अगर आपके पास है, तो हमारे पास नहीं था अवेलेबल, तो हम इसे पतला बेसन से ही बेसन के लड्डू बनाएंगे। इतने टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल मार्केट वाले जो हलवाई वाले लड्डू होते हैं ना फेल होने वाले हैं, तो यकीन करें हमारे ऊपर, आप इसे एक बार बना के तो देखें। तो इस तरह हमने छान लिया है, सभी गुठलियों को किनारे कर देंगे अच्छी तरह से तोड़ के, मसल के छन्नी से छान लेंगे। तो ये हो गया तैयार, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन हो गया है, ये बिल्कुल फाइन पतला बेसन है ना। तो इसे हमें मोटा कैसे बनाना है, तो हम आपको पहले ट्रिक बताते हैं इसे बनाने की। तो हम पहले आपको बताते हैं, हमने लिया है, आप देख सकते हैं हमने तगार ली है, तगार देख सकते हैं हमारी बिल्कुल दानेदार है, इसे हमने घर में ही बनाया। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर आप एंड स्क्रीन में दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। आप चाहे तो इसमें बूरा भी यूज़ कर सकते हैं, हमने इसमें तगार यूज़ की है। आप देख सकते हैं पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, हमने चीनी को पीस के रखा है, तो हम इसे यूज़ नहीं करने वाले, आपको दिखा रहे हैं। तो आप चीनी भी पिसी हुई यूज़ कर सकते हैं। और हमने घी कितना लिया है, हमने 1 कप करीबन घी लिया है। अगर मेल्टेड घी होगा तो ऊपर तक आ जाएगा, ये मेल्टेड नहीं है, तो थोड़ा सा हमने 2-3 चम्मच दूध लिया है इसे करने के लिए, मोटा करने के लिए, इस बेसन को मोटा करना है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दूध की जरूरत पड़ेगी और 1-2 चम्मच घी की। तो इस बेसन में हमने छान के रखा था, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले 2 चम्मच हम घी डाल देंगे, और घी डालते हैं हमने क्या करना है, 2-3 चम्मच ही हमने इसमें दूध डाल देना है। ये ट्रिक हर किसी को नहीं पता होती, आप इसे अजमाइए, आपके लड्डू काफ़ी ज़्यादा शानदार, कलर भी काफ़ी लाजवाब बनेगा, गहरे कलर के, और बिल्कुल दानेदार खिला खिला लड्डू बनेगा। तो ये हो गया, हमने डाल दिया है, तो अब हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से हाथ से मसल के मिला देंगे, चारों तरफ से सभी तरह से मिला देंगे, अच्छी तरह से हाथ से मसल मसल के मिला देंगे, दोनों हाथ से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से होगा। इस तरह से हाथों से कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा, ये सभी दानों में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितने दाने लग रहे हैं आपको, हाथों में काफ़ी ज़्यादा रफ रफ सा दाना सा दिख रहा है हमें। तो हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा भी गुठलियाँ ना हो तो हमने क्या करा है, पहली बार तो छान लिया था हमने, गुठलियाँ ना हो तो हमने क्या करा है, इन सभी दानों में अच्छी तरह से मिल जाए तो हम छन्नी से छान लेंगे। आप चाहे तो आटे वाली छन्नी से भी छान सकते हो, उससे ज़्यादा आसानी से छन जाएगा। तो हमने नॉर्मली छन्नी से छान लिया है, मोटी छन्नी से, और ये वेस्टेज है ना, इसे बिल्कुल फेंकेंगे नहीं, इसे हमने ग्राइंड कर दिया है मिक्सी में, तो इसे भी हम दोबारा से छान लेंगे। जो लास्ट के दाने बचे थे ना फ्रेंड्स, उस दानों को भी हमने अच्छी तरह से छान लिया है, ये अच्छी तरह से हो गया है बिल्कुल फाइन। आप देख सकते हैं इसमें आपको दाना दिख रहा होगा, इस तरह से आपको दाना दिख रहा होगा इसमें, और पहले वाला बेसन और अभी का बेसन में आप देख सकते हैं कितना कंपेयर कर सकते हैं, तो कितना डिफरेंस है दोनों में, बिल्कुल ये दानेदार है और इसका कलर भी थोड़ा डार्क है, और जो ये कटोरी में रखा है ना हमने बेसन, वो कितना सॉफ्ट है और इसका कलर भी थोड़ा लाइट है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में, वो मोटा बेसन बन चुका है और ये पतला बेसन है। तो हमने क्या करा, गैस में कढ़ाई रख दिया और इसमें हमने घी डाल दिया है, 1 कप हम घी डाल देंगे, इसे हम इसमें डाल देंगे, तो इसे अच्छी तरह से हमें गर्म कर देना है। बिल्कुल पहले अच्छी तरह से गर्म करने के बाद गैस को कर देंगे बिल्कुल लो, लो गैस करते ही हम इसमें क्या कर देंगे, सभी बेसन को हम डाल देंगे, बिल्कुल लो ही रखना है, गैस को बिल्कुल हाई नहीं करेंगे, लो गैस में ही करना है। अगर हाई करेंगे तो ये जलने लग जाएगा, एकदम से इसका कलर चेंज हो जाएगा और बिल्कुल भी भुनेगा नहीं। तो हमने क्या करना, लो गैस में इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू, बिल्कुल पेशेंट रखना पड़ेगा आपको इसे काम करते समय, तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, यूं ही गुठलियाँ तोड़ देंगे। शुरू में आपको लग रहा होगा सूखा सूखा, तो धीरे धीरे इसमें सभी घी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तो समझे आपका बेसन अच्छे से भुन गया है, बस लो फ्लेम में हमें काम करना है। तो आप देख सकते हैं सारा घी रिलीज हो गया है, लो फ्लेम में हमने काम किया था और इसका कलर भी कितना डार्क हो गया। थोड़ा सा हमने इसमें 1-2 चम्मच पानी के छींटे मार दिए, जिससे क्या होगा, बेसन हमारी अच्छी तरह से फूल जाएगा, आप देख सकते हैं और अच्छे दाने खिल जाएंगे इसमें। गैस को कर दिया है हमने बंद, तुरंत गैस को बंद कर देंगे, और यहाँ पर हमने क्या करना है,
आप देख सकते हैं। तो तुरंत इसे हमने क्या करना है, एक बड़ी परात थाली कुछ भी बर्तन ले लेंगे, उसे इसमें डाल देंगे तुरंत, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो जल जाएगा। तो इसे हमें पहले ठंडा करना है, ठंडा करके इसमें हमने चीनी का बूरा जो भी तगार डालना चाहते हैं तो तभी डालेंगे, पहले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे चला चला के ठंडा करना है, इसे ये ठंडा हो गया है, हाथ से देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं इसे इस तरह से, जैसे गुनगुना होता है ना, बस उस तरह का है। तो हमने यहाँ पे तगार डाल दिए, आप चाहे तो यहाँ पे चीनी का बूरा होता है ना वो भी डाल सकते हैं इसमें, उससे भी अच्छे बनते हैं। मगर आप बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाने चाहते हैं, जैसे मार्केट में होते हैं ना वो तगार ही डालते हैं इसमें, इसे आराम से बना के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसे बनाने में, कोई झंझट नहीं होगी बनाने में, बिल्कुल ईजी बन जाता है ये, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने आपको पहले भी खाए, हमें एंड स्क्रीन में दे देंगे, तो एंड स्क्रीन में देख कर आप बना सकते हैं तगार, बिल्कुल ईजी है। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे, आप चाहे तो यहाँ पे मगज भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है ना फ्रेंड्स वो डाल सकते हैं इसमें। तो हमने क्या करा, हमने बादाम डाला, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, इसे इसमें डाल देंगे, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इससे। इन सभी को मिला देंगे इसमें, और आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है, ऐसे ही नॉर्मली रखा है। तो हमने क्या करा है, एक से डेढ़ चम्मच इसे हाथों में ले लेंगे, इसके हम लड्डू बना देंगे। आप चाहे तो कोई कटोरी या किसी का भी नाप ले सकते हैं एक साइज़ के लड्डू बनाने के लिए, तो हमने एक से डेढ़ चम्मच का ही नाप रखा है इसमें, बस तीन उंगलियों ऊपर की और तीन उंगली ही नीचे की, इतना ही रखना है, और बीच में लड्डू रखेंगे, इसे मसल मसल के ऐसे दबा के प्रेस कर देंगे, आपके लड्डू बन जाएंगे। आखिरी में पूरी गोल करने के लिए अच्छे से इसकी गोल शेप आ जाए, हाथों में ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल गोल शेप के बन जाएंगे आपके लड्डू, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बनाने में। एक बार अजमा के तो देखिए, हमारा लड्डू तो हो गया है तैयार। इसी तरह से हमने दूसरा भी बना देना है, बिल्कुल ईजी है इसे बनाना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बनाने के। अगर आपको लगे ना थोड़ा ड्राई ड्राई हो रहा है, इसमें घी की क्वांटिटी कम है, या फिर आपको लग रहा है कि बिल्कुल सूखा है, बनने में दिक्कत हो रही, तो आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं इसमें ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और सर्दी में घी जल्दी से जमना शुरू हो जाता है, गर्मी में तो थोड़ा सा नरम ही रहता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, गर्मी सर्दी में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, घी जमना शुरू हो जाता है तो बनने में दिक्कत होती है। तो इस तरह हमने सभी को बना देना है बारी बारी कर, बिल्कुल बीकानेर वाले लड्डू तैयार होने वाले, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, कोई कह नहीं सकता इसे घर में बनाया है, बिल्कुल दानेदार खिला खिला, इतनी इजी ट्रिक से इसे हमने बनाया है, कोई कहेगा इसे हमने घर में बनाया है, बिल्कुल भी नहीं, इतने सॉफ्ट अंदर से इसका दाना खिला हुआ है, कोई नहीं कहेगा इसे कि ये पतले बेसन से बनाया है हमने। अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना, पतले बेसन से भी आराम से बना सकते हैं, बस आप ट्रिक ध्यान रखना, अगर इस ट्रिक से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनेंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और हाँ अगर हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब के बगल में दिया हुआ घंटी का बटन जरूर दबाना, जिससे क्या होगा हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम आपको एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ।